फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की NCERT की नकली किताबें छापने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र व चेहरे के साथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आईना दिखा दिया। पार्टी की खासी किरकिरी तो इस मामले में हुई ही, विरोधियों को भी भाजपा की कारगुजारियों को जनता के सामने कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के घोषित धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि इस घोटाले में भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ही नहीं बल्कि तमाम बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं और यही कारण है कि पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर रासुका लगानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी आज भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी व रासुका लगाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मेरठ में हुए नकली किताब छापने के गोरखधंधे ने भाजपा की खासी किरकिरी कर दी है। दरअसल भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, उनके भतीजे सचिन गुप्ता के ठिकानों से यूपी की STF ने 60 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की नकली किताबें बरामद की। ये किताबें NCERT के नाम पर छापी गई हैं। पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि संजीव गुप्ता भाजपा का झंडा लगी अपनी कार में बैठकर आराम से निकल गया था। झंडे के कारण पुलिस उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। पार्टी की किरकिरी हुई तो संजीव गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि भाजपा की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लिहाजा निष्कासन भी किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुकेश सिंघल। मेरठ महानगर में NCERT की कुछ नकली किताबों के प्रतिष्ठान पकड़े गए हैं, जिसमें हमारे मेरठ महानगर में एक महानगर उपाध्यक्ष रहे श्रीमान संजीव गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक व पुलिसी कार्रवाई को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से उनको मुक्त कर दिया गया है और मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते हुए प्रदेश नेतृत्व को भी लेटर लिख दिया है। इसमें पत्राचार मैं कर रहा हूं और मुझे लगता है प्रदेश के आदेश के बाद मैं आने वाले कुछ समय बाद पार्टी से निष्कासित भी कर दूंगा, क्योंकि ये पार्टी की रीति और नीति के खिलाफ है जो ये कार्य जानकारी में आया है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी जीरो टॉलरेंस लेवल पर सरकार काम कर रही है, जिनमें भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य, गैर सामाजिक कार्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी में कितना ही बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, कितना ही बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, कोई बख्शीश नहीं होगी और कोई भी कार्यकर्ता की पैरवी नहीं होगी। मेरा ऐसी सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों से आग्रह और निवेदन है और मुझे लगता है कि ये गैर कानूनी कार्य व्यक्तिगत रूप से वो आदमी कर रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा इतना बड़ा स्टॉक ये जमा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जानकारी अधूरी रही, वरना ये शुरू में ही इसके खिलाफ कुछ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होती तो मुझे लगता था आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज कांग्रेस ने कमिश्नरी कार्यालय पर धरना दिया। पार्टी का जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने कहा कि पुलिस सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रही है और संजीव गुप्ता व उसके भतीजे को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि राष्ट्रहित व जनहित से जुड़े इस मामले में उन्हें रासुका में निरुद्ध किया जाना चाहिए। मेरा नाम अवनीश काजला है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी मेरठ का अध्यक्ष हूं। आज कांग्रेस पार्टी मेरठ में NCERT का जो घोटाला, जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला उजागर होया है, जिसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता भी नजर आती है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यह घोटाला बहुत बड़े स्तर का घोटाला है और इसमें अभी भी बहुत लोग बचाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी CBI जांच की मांग करती है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए और तत्काल जो आरोपी इसमें हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सरकार कहीं भी भाजपा के नेताओं को बचाने की कोशिश ना करे। भाजपा के नेताओं का, भाजपा के बड़े बड़े विधायकों का, सांसदों का उन्हें संरक्षक है, तभी इन्हें बचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। उनके पदाधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं, उनके पदाधिकारी के साथ साथ तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हैं। सरकार को ये सच जनता के सामने लाना पड़ेगा। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ NCERT की किताबों के नाम पर हो रहा था, इसका सच जनता के सामने आना चाहिए।
सपा के पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास ने इस घोटाले में भाजपा के तमाम बड़े पदाधिकारियों की भागीदारी होने का भी आरोप लगाया है। एनसीईआरटी के फर्जी पुस्तक प्रिंटिंग घोटाले में सिर्फ भाजपा महानगर संजीव गुप्ता ही शामिल नहीं है, बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार का शह है। भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस लूट खसोट के धंधे में शामिल है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। आज सुबह पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में सपा इकट्ठा भी हुए। सभा की जब जुलूस की शक्ल में जाने की बात आई तो पुलिस ने सभी को रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। सपा के जिलाध्यक्ष, राज्यपाल व छात्र नेता अतुल प्रधान ने ज्ञापन दिया। देखिए, ये तानाशाही है। हम लोग जाना चाहते थे कलेक्ट्रेट पे, इन्होंने पुलिस ने पूरा भारी भरकम अमला यहाँ पर खड़ा कर रखा। हम पूछना चाहते हैं कि विधायक के बेटे के यहाँ क्या इतना अमला है? जो विधायक का बेटा इस एनसीईआरटी किताब घपले में इन्वॉल्व है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक जमीनों में और तमाम उन जगहों पर इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में, जिसमें क्या नाम, उनको गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे का नाम, यहाँ के जिले के महानगर के उपाध्यक्ष का नाम आ रहा है सीधे सीधे तौर पर। उनको गिरफ्तार करके एनएसए के तहत उन्हें तामील अनुरोध किया जाए, इस समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी तब तक आंदोलन चलाएगी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।